गुजरात के अंदर पाकिस्तान की सीमा पर आखिरी गांव है कच्छ के रेगिस्तान में धोरडो, आखिरी गांव को जिंदा कर दिया, उसके कारण पूरा इलाका जिंदा हो गया। गुजरात का धोरडो बारिश में बन जाता है नमक की दलदल, और सर्दियों में नमक का कण कण बन जाता है रण, नमक का विशाल सफेद सागर। चांदनी रात की ये सफेद धरती, यूं लगता है जैसे चांद जमीन पर उतर आया। जो कछड़ो बारे मां, 2006 में देश के इस आखिरी गांव को देश का प्रथम गांव बनाने का साहस किया था नरेंद्र मोदी ने, और 5 साल पहले ही भूकंप से बर्बाद हो चुके कच्छ के इस सफेद रण पर रंगों का मेला सजाने का सपना देखा था। बड़े सपने देखना इनकी आदत है और पूरा करना इनकी काबिलियत। उन्होंने कच्छ में आलीशान टेंट सिटी कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन इस पार्शियल लैंड पर इतना बड़ा टेम्पररी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना आसान नहीं था। इसके लिए स्पेशल टैलेंट को जोड़ा, साथ में वर्ल्ड क्लास टूरिज्म एक्टिविटी को यहां खड़ा किया। पर्यटकों को ट्रेडिशनल कच्छी घर भूंगा में रहने का अनुभव देने के लिए लोकल्स को हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग दी। बेजान धोरडो में नए बड़े होटल्स और ट्रेवल इंडस्ट्री उभरी। इतना काफी नहीं था, उन्होंने सीएम से पीएम बनने के बीच हर मुमकिन मौके पर रणोत्सव को प्रमोट किया और मीडिया के कैमरों से धोरडो को हर टीवी मोबाइल तक पहुंचाया। कच्छ की सदियों पुरानी हस्तकला, मिट्टी कला, चांदी चमड़े की कारीगरी को बढ़ाया, कच्छ की सुषुप्त अर्थव्यवस्था को गति देकर 4 चांद लगा दिए। आज धोरडो बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर बना हुआ है, लाखों लोग हर साल आते हैं, वहां के लोगों के लिए करोड़ों रुपए का व्यापार होता है। इसके पीछे सोच एक ही थी, सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है। प्रधानमंत्री जी की दूर की सोच का परिणाम देखिए, आज संयुक्त राष्ट्र के प्रवासन संस्थान ने धोरडो को बेस्ट टूरिज्म विलेज के पुरस्कार से सम्मानित किया है। जो मोदी जी कहते थे वो आज यूएन भी दुनिया भर के प्रवासियों को कहता है। कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा भाई।